ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଟକର ସମାଜସେବୀ ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓଙ୍କ କଥା ବଖାଣିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଚା ବିକାଳି ହୋଇ ବି ବସ୍ତିର ଗରିବ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଭାର ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓ। ଆଶା ଆଉ ଆଶ୍ୱାସନା ନାଁରେ ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ସେଠାରେ ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଆୟର 50% ଅର୍ଥ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ସମାଜସେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଗତକାଲି କଟକ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରକାଶ ରାଓଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି मोदी। एक मामूली सी चाय बेचने वाला आज आप जानकर के हैरान हो जाएंगे 70 से अधिक बच्चों के जीवन में शिक्षा का उजियारा भर रहा है। आशा आश्वासन नाम का एक स्कूल खोला जिस पर वे एक गरीब चाय वाला अपनी आय का 50% धन उसी में खर्च कर देता है। मैं डी प्रकाश राव जी की कड़ी मेहनत उनकी लगन और उन गरीब बच्चों के जीवन को नई दिशा देने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पर दिन हठात पीएमओ ऑफिस रु हठात गोटे फोन आसला जे आपण को मोदी जी आसिक भेटे कटक जनसभा कार्यक्रम से जमी ओल्ल आसा प्रथम आम पिला समस्त व्यक्तिगत भाव निजर ना क्लास कथा सब पचारि बुझे और पचारि बुझिक मत कहे राव साहब मैं आपके बारे में सारे बात जानता हूँ और आप चाय वाले होते हुए भी आप कैसे इतने सारे बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं।